उत्थे मजहबी ग्रंथी सिंह दे नाल हुई अण मनुखी तशद्दद मामले दे विच कौमी अनुसूचित जाति कमिशन ने सख्त नोटिस लिया। कमिशन दे चेयरमैन विजय सांपला ने पंजाब सरकार नूं मामले विच सख्त कार्रवाई करन लई आख्या। उधर कांग्रेसी आगू राजकुमार वेरका ने भी घटना की सख्त शब्दों विच निखेधी की है। मैनूं पता लग्या है कि बड़ी जिस तरह उहदा मूंह काला कीता है ग्रंथी का, और नाल नाल उहदे भरा नूं भी उहदे कपड़े फाड़े गए, उहनूं भी नंगा कीता गया, और ये बहुत असीं कहिंदे आ कि मंदभागा आ, और असीं इहदा ते अजी इहदा संज्ञान लैंदे होए इहनूं नोटिस भेज रहे हां, और उहदी जो भी उहदे उत्ते कार्रवाई करन उचित कार्रवाई होई करावांगे। और किसी नूं भी ये अधिकार नहीं है कि वो आप सज़ा देने का काम कानून का आ, पुलिस का आ, पुलिस अपना काम करे। ये तो आम नागरिक के नाल भी करना गलत है, पर जे अनुसूचित जाति के लोगों के नाल कीता जांदा पीओ एक्ट भी जिहड़ा लागू हुंदा। बार बार दलितों के उपर इस तरीके के उत्पीड़न हो रहे हैं। पहली गल तो गुरु का सिख है, अकाल तख्त साहब के जथेदार को मैं बेनती करना चाहना कि वह फौरी तौर पर दखल अंदाजी देन, क्योंकि वह केसा की बेअदबी हुई है, सिखी की बेअदबी हुई है। वो इसके नाल नाल मैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बेनती करना चाहना कि वह इस केस के सो मोटिव लैन, अजिहे केसा ढिलिया नहीं छड़िया जा सकता, और हाई कोर्ट को इसे संज्ञान लेना चाहिए, और यह केस फास्ट ट्रैक कोर्ट के जाना चाहिए, और जड़े भी कोई दोषी है उन्होंने सख्त सज़ा मिलनी चाहिए है। और जल्दी उस इलाके दे विच मैं विजिट करन जा रहा, और ये संबंध दे विच पंजाब दे डीजीपी दे नाल भी गल करांगा।